जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, अब सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिसपे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आईन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आईन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आईन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। हमने पिछले जो सीसी मीटिंग में था उसमें ये फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन से रब्ता होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। हमने अपना एतराज़ात उनके सामने रखे, उन्होंने अपना ख्यालात हमारे सामने रखे। अब मैं रास्ते में हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। जैसे हम लाहौर पहुँचते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होगा। अगर किसी और का कोई और राय होगा वो उस मीटिंग में मेरे सामने रख सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा, आजकल